तो क्या रूल्स हैं मैग्नेटिक फोर्स के या इस चैप्टर में, और कैसे ये डिफरेंशिएट कर पाएंगे हम इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को। पॉइंट नंबर वन, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज क्या होता है? रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज इज नोन एज स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज कैन प्रोड्यूस ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर कोई चार्ज रेस्ट पे पड़ा हुआ है, आप मुझे कहो सर इसकी इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करो, हमें करके दूंगा, ये देखो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स बनेंगी, तो इस रूम में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? मैं कहूंगा हाँ होगा। तो एक रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, पर रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकता। अगर मैं यहां चार्ज रख दूं ना एक लाके, आपको आप पूछो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैं कहूंगा जीरो। स्टैटिक चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम देखो चैप्टर का, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी जनरेटेड बाय कैन स्टैटिक चार्ज, पर मैग्नेटोस्टैटिक तो कुछ नहीं होता ना, क्योंकि होता ही नहीं, क्योंकि स्टैटिक वर्ड इस चैप्टर में लगेगा ही नहीं, क्योंकि चार्ज अगर स्टैटिक है वेलोसिटी उसकी जीरो है वो फोर्स भी एक्सपीरियंस नहीं करेगा, और अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है तो वो अपना फील्ड भी कोई जनरेट करने वाला है नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड करेगा, मैग्नेटिक नहीं करेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? पहला स्टेप। दूसरा, मूविंग चार्ज। अगर कोई चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर भी जनरेट होता ही है। देखो चार्ज रेस्ट पे रहे या ना रहे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो चार्ज जनरेट करेगा। मूविंग चार्ज कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। एक चार्ज अगर मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को भी पैदा कर सकता है, पर रुका हुआ चार्ज मैग्नेटिक फील्ड को पैदा नहीं कर सकता। जैसे वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, क्या है इलेक्ट्रॉन? चार्ज ही तो है, तो वायर में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसमें करंट आ गया, करंट अपने आसपास भी जनरेट कर देता है, लेकिन खड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन वायर में करंट जीरो कर देगा, बी की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी, राइट? तो मूविंग चार्ज दोनों फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक्सटर्नल बी वेक्टर कैन नॉट प्रोड्यूस फोर्स ऑन स्टैटिक चार्ज। अभी हमने किया, कह रहे आपने इस रूम में एक्सटर्नल बी लगा दिया, आपने किसी मशीन से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, लेकिन चार्ज को किस पे रख दिया? एट रेस्ट। अगर चार्ज रेस्ट पे है, मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल के अंदर, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो, वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, रेस्ट पे तो रेस्ट पे पड़ा रहेगा। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं था, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर प्रेजेंट है और चार्ज क्यू है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई। समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट है, सपोज करो एक केस है कि मान लो आपके पास एक वायर है, एक लिफ्ट है, चार्ज ये आप है और लिफ्ट रेस्ट पे है, और ये चार्ज क्यू है। आपसे ये पूछा, आप लिफ्ट पे और लिफ्ट रेस्ट पे हैं, आपसे ये पूछा क्या ये चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? तो आपने सोचा कि फोर्स क्यों एक्सपीरियंस करेगा, क्योंकि करंट कैरिंग वायर अपने आसपास क्या जनरेट करेगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो आपने सोचा कि मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पड़ा हुआ है तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि चार्ज किस पे पड़ा हुआ है? एट रेस्ट। वेलोसिटी क्या है इसकी? जीरो। फोर्स एक्सपीरियंस क्या होगी? जीरो। नहीं करेगा। तो आप कहेंगे फिर लिफ्ट में क्यों बैठा है? हाँ तो उतार दो लिफ्ट से, ग्राउंड पे बैठा है या नहीं बैठा, आंसर जीरो रहेगा। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन तो ये है, इस क्वेश्चन में करंट जा रहा है, इधर से ये चार्ज भी जा रहा है। अब ये स्टैटिक नहीं है, चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी। आप लिफ्ट में हैं, आप भी मूव कर रहे हैं विद द वेलोसिटी ऑफ वी, आपका दोस्त ग्राउंड पे खड़ा हुआ है और वो रेस्ट पे है। तो आपने ये पूछा अपने दोस्त से कि क्या ये चार्ज मूव कर रहा है? वो कहते हैं हाँ मूव कर रहा है। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है? वी। आपने इससे पूछा कि भाई चार्ज मूव कर रहा है? ये कहता है ना जी ना, मूव नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि खुद मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, और वी वेलोसिटी वाला ऑब्जेक्ट इसको किस पे नजर आ रहा है? एट रेस्ट। देखने वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस याद है, वही तो है न्यूटन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल नॉन इनर्शियल जो प्लस वन में करते थे। चलो वो बीच में लेके नहीं आएंगे, पर ये दो आंसर समझ में आ रहे हैं। एक बंदा कहता है रेस्ट पे, एक बंदा कहता है मोशन में। अब आपने ये पूछा, देख तेरे सामने इससे पूछा, इस बंदे से पूछा गया कि देख करंट कैरिंग वायर है, अपने आसपास बी जनरेट करेगी, जो भी बी जनरेट करेगी उसमें चार्ज मूव करेगा। वो कहेगा हाँ जी मूव कर रहे हैं। तो क्या ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? हाँ या ना? करेगा, क्योंकि इसमें वेलोसिटी जीरो नहीं है, इसमें बी भी है, वायर की वजह से बी भी है, इसमें वी भी है, और ऑब्वियसली बी क्यू वी सब कुछ है। तो ये क्या कहेगा? हाँ ये मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कोई डाउट? अब क्वेश्चन इससे पूछो, ये कहता है देखो मेरे हिसाब से चार्ज किस पे है? एट रेस्ट।
और मुझे सिखाया गया अपनी क्लास में कि अगर तुम्हें चार्ज रेस्ट पे नजर आता है तो मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाती है, जीरो। ये कहता नहीं करेगा। अब ये तो कंफ्यूजन हो गया, तो टोटली आंसर चेंज हो गया, एक कहता करेगा एक कहता नहीं करेगा। चलो तीसरा, अगर सोचो चार्ज बोल सकता, तू बोल दे भाई तेरे पे कोई फोर्स लग रही है, तू ही फैसला कर दे कौन सही कौन गलत। तो चार्ज से पूछा कि भाई फोर्स लग रही है कि नहीं लग रही, चार्ज कहता है देखो यार मेरे पे तो लग रही है। चार्ज कहेगा लग रही है फोर्स, अब कौन गलत ठहरा, ये गलत हो गया। पर इसकी भी क्या कसूर है, बात तो ये भी ठीक कर रहा है कि भाई उसको तो रेस्ट पे नजर आ रहा है, तो फोर्स तो एक्सपीरियंस करेगा चार्ज पार्टिकल, सबको मालूम है, पर फिर इसका आंसर गलत हो गया। सही है, एक्चुअली गलत नहीं हुआ। इसे फिर पूछा कि क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो इसने कहा कि देखो मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा, चेंज कर रहा है स्टेटमेंट, उसने कहा कि मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा क्योंकि ये वेलोसिटी इसकी जीरो है मेरे हिसाब से, पर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक करेगा। मैंने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक? वो कहता देखो एक चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है और कोई फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है वो मैग्नेटिक नहीं हो सकती, और फील्ड तो दो ही है, या इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक, तो पक्की बात है इलेक्ट्रिक फील्ड कोई इसके ऊपर, हो सकता है इलेक्ट्रॉन लगा रहा हो और इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हो, तो मैं नाम चेंज कर रहा हूं फोर्स का, ठीक है, इस पे फोर्स मान लो 10 न्यूटन है। ये बंदा कहता है कि इस फोर्स का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है क्योंकि चार्ज रेस्ट पे, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड ही असर कर पाएगा, तो मेरे हिसाब से उस फोर्स का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड है या इलेक्ट्रिक फोर्स है। ये कहते हैं नहीं जी इसका नाम मैग्नेटिक फोर्स है। आंसर ये भी 10 बोल रहा है, आंसर ये भी 10 बोल रहा है, आंसर खुद चार्ज भी 10 बोल रहा है, वैल्यू सबकी सेम है लेकिन नाम सबका डिफरेंट है। समझ आया यहां तक? तो एक्चुअल में ये देखा गया यूनिवर्स में, अगर हम यहां देखें नेचर के अंदर दो फील्ड इकट्ठे काम करते हैं, एक अकेला फील्ड दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो आपको कहोगे फिर दो महीने से कहां सोया पड़ा था मैग्नेटिक फील्ड, जब इलेक्ट्रोस्टैट चल रहा था तो आया नहीं। वो इसलिए नहीं आया क्योंकि हम क्या स्टडी कर रहे थे, इलेक्ट्रिक फील्ड, और हम कर रहे थे स्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक रेस्ट पे, और रेस्ट पे पड़ा हुआ चार्ज बी जनरेट नहीं करता, इसलिए उसकी बात ही नहीं हुई। तभी तो चैप्टर का नाम क्या था, इलेक्ट्रो स्टैटिक, ताकि बी का चक्कर ही ना पड़े। अब चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें आ गया, अब वो कहता है जी अब मैग्नेटिक फील्ड भी, यहां पर मैग्नेटिक फोर्स भी होगी। अब नेचर के अंदर दो फील्ड हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, या नेचर में दो एनर्जीज हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी और मैग्नेटिक एनर्जी, और दोनों इकट्ठी काम करती हैं। आप नाम जो मर्जी दे लें, एक चार्ज पे 10 न्यूटन फोर्स लगी थी, कोई कहता है जी इसका नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक है, कोई कहता है जी मैग्नेटिक है, कोई कहता है जी दोनों है, 5 इलेक्ट्रोस्टैटिक है 5 मैग्नेटिक है, टोटल तो 10 ही रहेगा, नाम जो मर्जी चेंज करते रहो। अब क्योंकि इस चैप्टर में हम अपने आंसर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देते हैं, हम कौन सा लिफ्ट में जा जाके क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो इसलिए हम इस फोर्स का नाम क्या देंगे, सिर्फ मैग्नेटिक। तो हम ये हैं, हम इस चैप्टर में यहां स्टैंड कर रहे हैं। पर लेकिन इसने इस एग्जांपल से क्या प्रूव किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी साइमल्टेनियसली एक्ट करती है। हम आने वाले चैप्टर में नेक्स्ट यूनिट नेक्स्ट मंथ क्या करने वाले हैं, एक चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सारा खेल फील्ड्स का है। कैसे, अगर आप इस रूम में मैग्नेटिक फील्ड को तेजी से चेंज कर दो, 10 टेस्ला 100 टेस्ला 10 टेस्ला 100 टेस्ला, हो सकता है जितने लोहे के यहां पर चीजें हैं उसमें करंट आ जाए, आप बैठे में करंट लगना स्टार्ट हो जाएगा अगर मैं ऐसा कर दूं। आपको वो कैसे, देखो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, टोटल एनर्जी का सम नेचर में कांस्टेंट है, मान लो एनर्जी का इस रूम में एनर्जी कांस्टेंट है, अब चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है चाहे वो मैग्नेटिक की फॉर्म में, अगर आप मैग्नेटिक की एनर्जी को कम करते हो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी अपने आप पैदा हो जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आप पैदा हो जाएगा, ताकि टोटल रिमेन्स कॉन्स्टेंट। और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करते हो तो मैग्नेटिक फील्ड जो आपने लगाया नहीं वो भी अपने आप पैदा हो जाता है। अब कैसे, बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आप डैम पे जाएं, डैम में पानी गिर रहा है, टरबाइन घूम रही है, मैग्नेट्स के बीच में कॉइल घूमती है, जब कॉइल घूमती है तो करंट पैदा होता है, कैसे, क्योंकि उसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड, बड़ी बड़ी मैग्नेट्स के बीच में कॉइल को घुमा रहे हो, उसका फील्ड चेंज होता है, जब उसका फील्ड चेंज होता है अपने आप करंट पैदा हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है और जो हमारे घरों तक पहुंचता है। तो यही नेचर का लॉ है, अगर आप एक फील्ड को चेंज करोगे दूसरा अपने आप चेंज हो जाएगा, आप एक को जीरो कर दोगे दूसरा अपने आप हाई वैल्यू पे आ जाएगा।
आप बी को जीरो करोगे ई खड़ा हो जाएगा, ई जीरो करोगे बी आ जाएगा, ई को कम करोगे बी बढ़ जाएगा, बी को कम करोगे ई बढ़ जाएगा, ये नेचर का लॉ है। ठीक है, इसी लॉ के ऊपर अगला चैप्टर आने वाला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, अगला चैप्टर इससे भी अगला चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो काम है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में चलेगा, क्योंकि इस नेचर में दो फील्ड इकट्ठे काम करते हैं, इसलिए जो फोर्स का नाम है वो रखा गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का मतलब कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स। तो अगर आप मैग्नेटिक फोर्स को जीरो अज्यूम कर रहे हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम बन जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो कर रहे हो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम है मैग्नेटिक फोर्स, और अगर दोनों फोर्स इकट्ठी काम कर रही हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अगर आप प्लस वन की इंट्रोडक्शन पढ़ें, लास्ट ईयर की शीट अगर आप हैरिटन पढ़ लें, एच सी वर्मा की बुक पढ़ लें, या कोई भी आप किताब पढ़ लें फिजिक्स में, इस पूरे फिजिक्स में चार किस्म की फोर्सेज हैं, सिर्फ पूरी फोर्सेज को चार किस्म में डिवाइड किया गया है। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, दूसरी न्यूक्लियर फोर्स जो न्यूक्लियस से निकल के आती है, न्यूक्लियस टूटता है तो वो तोड़ने की फोर्स को न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, तीसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों आती हैं। तो वो ये नहीं बोलता इलेक्ट्रिक फोर्स, वो बोलता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पता नहीं किस फील्ड की फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे आप, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और चौथी वीक फोर्स, ये हम प्लस टू के एंड में पढ़ेंगे कि न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट किया जा सकता है न्यूक्लियस को ब्रेक करके, और प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं न्यूक्लियस को ब्रेक करके, एंटी न्यूट्रॉन करके पार्टिकल्स निकलते हैं, चौथी फोर्स है, ये बहुत कमजोर होती है वीक फोर्स, उनमें से एक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। ठीक, जिसको हम स्टडी करेंगे या स्टडी कर रहे हैं ऐसा बोल सकते हैं। तो